साथियों, जब भी कोई योगा या प्राणायाम कर रहा होता है तो आपने ये तो सुना ही होगा कि सब लोग कहते हैं सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखो, या अक्सर हमारे घर में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते तिरछे हो जाते हैं तो हम अक्सर टोक देते हैं ना कि भाई सीधे बैठो, सीधा बैठना चाहिए, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आज की वीडियो में चर्चा होगी कि कोई भी समस्या रीढ़ की हड्डी की, क्योंकि जो ये पॉइंट है वो इतना खास पॉइंट है कि स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम उसको ये ठीक करेगा। इसके अलावा जो आयुर्वेदा में वात पित्त कफ में जहाँ इम्बैलेंस है यही रोग का कारण है, तो ये पॉइंट इतना खास है कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यानी तीनों दोषों को निकाल बाहर करेगा। इसके अलावा साथियों, इसका नाम है प्रभु प्राप्ति का मार्ग। यानी प्रभु प्राप्ति तो क्या कि जैसे योगा में तो जब रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हैं तो कहते हैं ना कि मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक ऊर्जा का प्रवाह होता है, कुंडलनी जागरण होता है, इसलिए सीधी रखनी चाहिए स्पाइनल कॉर्ड को। इतना खास कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम डिसीज से इस चीज़ को जोड़ रहे हैं तो ये फेमस है सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति के रूप में। यानी कि जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, कोई रोग नहीं होगा, तो यही सर्वोच्च आनंद है। यानी कि सबसे अच्छा सुख, बड़ा सुख क्या है, निरोगी काया, जब व्यक्ति स्वस्थ है, अपने में स्वयं में स्थित है, तो इससे बड़ी बात क्या हो गई, ये योग भी हो गई और सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति भी हो गई। चलिए प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी उस खास पॉइंट की कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि योगा में फेमस है प्रभु प्राप्ति के मार्ग के नाम से, है ना, स्पाइनल कॉर्ड का स्पेसिफिक पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ और देखते हैं क्या खास है उस पॉइंट में। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वाशने, संभव निचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जब कभी भी जीवन में कोई रस ना आ रहा हो, यानी आनंद की कमी हो, तो जब हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा। साइंटिफिकली यदि हम इस बात को देखें तो ये माना जाता है कि जब शरीर में टॉक्सिन्स का जमावड़ा हो जाता है तभी व्यक्ति बीमार होता है, या आयुर्वेदा के हिसाब से जब शरीर में वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये तीनों दोष हो जाते हैं तब व्यक्ति बीमार होता है। तो ये इतना खास पॉइंट कि तीनों दोषों को तो दूर करेगा ही करेगा। इसके अलावा शरीर में पसीना निकालने का काम करता है, यानी जब रोम छिद्र शरीर के बंद हो जाएं और शरीर का जो टॉक्सिन्स है वो पसीने के रूप में जब शरीर से बाहर ना निकले तो ये पसीना बढ़ाकर रोम छिद्र को खोलकर और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, तो शरीर तो वैसे भी हल्का हो जाएगा ना, क्योंकि दोष तो सारे के सारे खत्म हो गए, पसीना बहा, अंदर की गंदगी बाहर निकली, और जो स्पाइन कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो हमारी मेरुदंड, वो जब स्ट्रोंग हो जाएगी तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा, है ना। जो थका हुआ था, बहुत ज़्यादा कमजोरी जिसको हो गई थी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में क्या है, सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के, ये नसों नाड़ियों का एक तरीके से संग्रह है। यदि रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी, उसमें करंट ठीक रहेगा, तो ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे ही होंगे, है ना। तो सब ऑर्गन्स को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम एक्टिवेट करें, उसकी कोई भी समस्या। तो आइए देखते हैं कि वो पॉइंट कौन सा है जो रीढ़ की हड्डी को आपकी ठीक रखेगा। ये थोरासिक वर्टिब्रा वन, जो थोरासिक वन है उससे स्लाइड के नीचे है, सर्वाइकल के सेवन आ गई, C7 से नीचे शुरू हो जाएगी थोरासिक की वर्टिब्रा, बस उसी से स्लाइटली नीचे ये पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच रीढ़ की हड्डी का में ही है ये पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है गवर्निंग वेसल 13, ये खास पॉइंट। अब क्लासिकल पे तो ये पॉइंट यहाँ पर है, अब
हमारे हाथ तो जाएंगे नहीं इस पॉइंट पे कि हम इस पॉइंट को स्टिमुलेट करें, मैग्नेट्स लगाएं, तो अब हमें लेना होगा सहारा सुजोक थेरेपी का। जी हाँ साथियों, ये भारतवर्ष का मतलब जो हिंदी का नाम नहीं है सुजोक थेरेपी, ये कोरिया की चिकित्सा पद्धति है। सुजोक, सु का मतलब है हाथ, जोक का मतलब है पैर, यानी उनके हिसाब से हमारा शरीर कैसा, हमारे हाथ और पैर जैसा। तो जितनी भी शरीर की जो मेरिडियंस हैं तो वो हाथों में आ जाएंगी, तो ये पॉइंट भी हमारे हाथों में आ जाएगा। और हाथ हमारे दो हैं, शरीर तो हमारा एक था, ये पॉइंट एक ही शरीर में एक ही जगह पर है। अब चूंकि हाथों में शरीर दोनों जगह पे आ रहा, इधर भी पूरा शरीर है, इधर भी पूरा शरीर है, तो डबल ट्रीटमेंट कर यानी दोनों ही हाथों में पॉइंट को स्टिमुलेट कर हम बहुत जल्दी से अपने को ठीक कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। आइए अब निगाह डालते हैं कि सुजोक के हिसाब से ये पॉइंट हमारे हाथों में कहाँ होगा। साथियों, सुजोक के हिसाब से ये हमारा गर्दन का था, सर्वाइकल की 7th वर्टिब्रा हमारी इस थंब के जो लोअर जॉइंट है यहाँ पर आ रही है, जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ है ये पॉइंट, जिसका नाम है गवर्निंग वेसल 13। पॉइंट बाइलेटरल है यानी दोनों ही हाथों में। साथियों, यदि आपको भी सीखना है ना ये शरीर कैसे हमारे हाथों में आ गया, सुजोक थेरेपी आप भी सीख सकते हैं। और बड़े मजे की बात, आप घर पर रहकर ही सीख सकते हैं, कहीं आना जाना नहीं, और आप किसी भी एज के हो, साइंस साइट का भी होना ज़रूरी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप घर पर रहकर ही इन चीज़ों को सीख सकते हैं। देखिए, निगाह डालिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकें। जो ये 2nd लेवल का कोर्स है, डिप्लोमा इन सुजोक थेरेपी, जिसमें हमने समझाया है कि हमारा शरीर कैसा, हमारे हाथ और पैर जैसा। और जो मेरिडियंस के जिक्र है वो है हमारा जो 3rd लेवल का कोर्स, एडवांस डिप्लोमा इन सुजोक थेरेपी, उसमें आ रही है कि क्लासिकल पर यानी कि शरीर पर वो मेरिडियंस कहाँ कहाँ पर है, और हमारे हाथों में वो मेरिडियंस कहाँ पर है, और एक एक पॉइंट किस किस बीमारी को ठीक करता है। साथियों, आप कभी मन है एडमिशन का, तो जो वेबसाइट के लिंक है इस पर जब आप जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे, तो जिस भी कोर्स में आपको एनरोल होना हो आप डायरेक्टली वेबसाइट से एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर अब बात कर रहे थे कि जो ये पॉइंट है गवर्निंग वेसल 13, अब इस पॉइंट का क्या करना है, कैसे स्टिमुलेट करेंगे कि जो इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाएं। या ट्रीटमेंट के लिए हमें आवश्यकता होगी चक्रा मैग्नेट की। देखिए, चक्रा मैग्नेट चक्र की तरह से, हाँ, एक तरफ से ये इस कलर का, दूसरी तरफ से ये इस कलर का होता है। हमें लेना होगा पेपर टेप। पेपर टेप में चक्रा मैग्नेट इस तरीके से लगाना है कि जो स्किन को टच करेगा वो इसका ये कलर, और लगने के बाद बाहर से जो दिखाई देगा वो ये कलर। तो जो भी पॉइंट था गवर्निंग वेसल 13, उसके ऊपर एक एक चक्रा मैग्नेट को इस तरीके से लगा लेंगे। पेपर टेप की मदद से इधर भी लगाया, और पॉइंट देखिए इस वाले हाथ में भी है, आप बिल्कुल इसी तरीके से एक चक्रा मैग्नेट इस तरफ लगा लेंगे। दोनों ही हाथों में ये ट्रीटमेंट चलेगा। फिर देखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड का स्पेसिफिक पॉइंट, कोई भी समस्या, हाँ, स्पाइन की जो स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आने लग जाएंगे, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और कोई भी इसको कर सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप जनरल हेल्थ के लिए भी इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ करके देखें कुछ दिन, फिर अपने अनुभव को ज़रूर शेयर करें, कॉमेंट्स में लिखें कि आपको कैसा लगा इस पॉइंट को लगाने के बाद। साथियों, यदि आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की, तो जो वेबसाइट के लिंक है यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों, आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और उपचार चाहते हैं एक्यूफिशियोथेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कॉमेंट्स का। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।